कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मेरा पोता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है बाबा, कुछ सब अपना जिंदगी काटेंगे बाबा, वही एक पोता मेरा साथ में है बाबा। अब बोलिए अब किस तरह से हम गुजारा करें, मेरा पोता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, आप लोग उसके कोशिश कीजिए। बहुत तलाश हम कर रहे हैं हम, लेकिन मेरा पोता का मालूम नहीं है कहाँ पर है, मेरा गरीब आदमी है, आप लोग उसका साथ दीजिए। अब ज़्यादा काम होने हम तो ये उनकी दादी आप हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। मैं इस वक्त थोड़ा में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं आज की जो बड़ी खबर वो ये है कि मोहम्मद समीम 10 साल एज 10 साल है, वो एक महीना से लापता है। इसके लिए थाना में FIR भी किया गया है लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल सका है। उसके घर वाले चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, रिलेटिव्स के यहाँ फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कोई पता नहीं है। पुलिस से भी बार बार जा के अपील कर रहे हैं कि बच्चे का पता लगा। पुलिस ने कोशिश की है, चारों तरफ ही बच्चे का जो फोटो है पोस्टर है इसे डाला है लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं। हमारे साथ इस वक्त तृणमूल कांग्रेस के नेता है, इस बार 60 नंबर वार्ड के जो काउंसिलर है उनके हस्बैंड है दीपाकर जी, सोशल एक्टिविस्ट है, ज़मीन पर उतर के काम करते हैं और इनका समाज के लिए लोगों के लिए दर्द रहता है, वो ये नहीं देखते कौन किस वार्ड से है, तो सभी के लिए काम करने के लिए तैयार। दीपाकर जी बताइए क्या हुआ था केस? मोहम्मद समीम जो है 1 महीना 5 दिन से लगातार मिसिंग है, 1 महीना 5 दिन से मिसिंग है। उसका डायरी हुआ है 23 जुलाई को बेलूर थाना में उसका मिसिंग डायरी हुआ है। वो बिहार से आए थे, बिहार से आके वो डॉन बॉस्को स्कूल के सामने से वो मिसिंग हो गया है। तो परिवार में आप लोग देख रहे हैं कि उनका दादी है, उनका चाचा है, सब है। आज एक पढ़ा लिखा एक तो बच्चा बिहार में पढ़ते हैं स्कूल में, बिहार से आए थे घूमने और यहाँ से मिसिंग हो गया है डॉन बॉस्को मोड़ से। तो ये हम लोगों को बहुत तकलीफ हो रहा है कि छोटा सा एक तो पंछी हमारा हावड़ा सिटी पुलिस क्या किया, वर्धमान से 9 दिन के अंदर पकड़ के ले आया। पश्चिम बंगाल का पुलिस बहुत अच्छे हैं और बहुत फेरूसाज हैं और पूरा इंडिया में इनका नाम है। तो हमको लग रहा है कि उम्मीद है कि इतना जल्दी से जल्दी बच्चा को ढूंढ लेंगे हावड़ा सिटी पुलिस। और ये हम लोगों का उम्मीद है कि बेलूर थाना के अंडर ये जो बच्चा मिसिंग है 1 महीना 5 दिन हो चुका है। हम खबर लिए बार बार कि कहाँ है बच्चा, खबर लिए ऑफिसर के थ्रू, तो उन लोग लगातार वो कोशिश में भी है, ढेर सारा थाना में भी उसको मैंने बच्चा का फ़ोटो भेजा गया है। हम लोग बेलूर थाना के थ्रू हर थाना में फ़ोटो भेजे हैं लेकिन फिर भी अभी तक कोई खबर नहीं है। उनका घर वाला सब परेशान है कि हम लोगों का घर में एक तो छोटा बच्चा खो जाने से कितना तकलीफ होता होगा कि हम लोगों को ये मैंने बहुत तकलीफ़ में है कि बच्चा जल्दी इन लोगों को मिल जाए। क्योंकि अभी 1 महीना 5 दिन जो है उसका मम्मी क्या खा रहा होगा, उसका पापा क्या खाना खा रहा होगा। एक तो सुंदर सा हैंडसम सा बच्चा है, ब्रिलियंट स्टूडेंट, आप देखिए ब्रिलियंट स्टूडेंट है मोहम्मद समीम। तो ये जो है दादी लगातार 1 महीना से भूखा है, खाना भी नहीं खा पा रहा है ठीक से। कि एक छोटा बच्चा कहाँ का बिना खाए पिए रह रहा होगा, हम कैसे खा सकते हैं। तो परिवार बहुत परेशानी में है, थोड़ा इसके उम्मीद आप लोगों से है, मीडिया के थ्रू आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी थोड़ा इसको ऐसा जगह पर प्रचार में इसको बड़ा से प्रचार करें कि बच्चा जल्दी से जल्दी मिल जाए। चाहे वो यहाँ से बिहार भी चला गया होगा तो कम से कम बिहार तक इसको खबर तक पहुँचाइए कि बच्चा का परिवार बहुत परेशानी में है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दीपाकर दा ने डिटेल कहा कि बच्चा जो गायब है और अगर कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस वाले इनको बताएं। और अभी हम बात कर रहे हैं उनके दादी से, कि दादी आप बताइए कि क्या हुआ बच्चा को, कैसे हुआ, कितना दिन पहले आया था बच्चा। हम देखो यहाँ रखे थे सर, हम 2 महीना यहाँ हमारा पास में था और 3 क्लास में उसको नाम लिखा दिए थे, इधर उधर घूमते थे 3 क्लास में लिखा दिए। लिखाने के बाद में लड़का अब उतने में उसको हम रखे, उसको डांटने थे तो बोले बेटा तेजा पढ़ने का नहीं जाते थे, अब कहाँ पर दिया डंडोक्सों से कहाँ पर से निकल गया बेटा, कुछ हमको मालूम नहीं है। मालूम होने के बाद हम चार्ज देखे कि रात भर हमको खोजते पेजते परेशान, 2 बज गए हम खोजने लगे, खोजने के बाद में लड़का मालूम नहीं हुआ। फिर उसको बिहान होकर हम थाने में डायरी किए यहाँ पर गोला भर कहाँ नाम उनका हाँ बिलो स्टेशन का हुआ पर दिए, हर जगह वो लोग खबर किए, कुछ खबर नहीं है। जा रहे हम लोग बाबू का खबर है, कुछ खबर नहीं मालूम हो रहे, बोलिए किस तरह से हम लोग, हम कह रहे हैं हमारा कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा, मेरा पोता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है बाबा, कुछ सब अपना जिंदगी काटेंगे बाबा, वही एक पोता मेरा साथ में है बाबा।
अब बोलिए अब किस तरह से हम गुजारा करें, मेरा पोता कहाँ पर है कहाँ पर नहीं, आप लोग उसका कोशिश कीजिए, बहुत तलाश हम कर रहे हैं हम, लेकिन मेरा पोता का मालूम नहीं है कहाँ पर है, मेरा गरीब आदमी, आप लोग उसका साथ दीजिए, अब ज़्यादा कहाँ बोले हम। तो ये उनकी दादी, आपने देखा कि उनके आंख में आंसू आ गए बोलते बोलते, बेटा एक महीना से ज़्यादा दिनों से लापता है, ये चाचा है, चाचा घर बच्चा का, बताइए क्या हुआ था बच्चे का और कहाँ कहाँ तलाश किया? बच्चे का एक महीना पहले, आज एक महीना से ऊपर थाना में कंप्लेन किए, बच्चा हरा गया है। हराने के बाद में हम लोग बहुत जगह कोशिश किए, थाना में 500 पीस पोस्टर मार दिए, बरदुआ ने मार दिए, चुचला थाना में गए, इधर उधर बहुत जगह पोस्टर मारे हुए हैं, फिर जाकर बच्चा आश्रम में गए, मारे थे कि हमसे ये बच्चा लग रहा है भाग के गया होगा, लेकिन फिर भी कोई कहीं से खबर आ नहीं रहा, बस वहाँ फिर जाके इधर बच्चा आश्रम में गए, टिकिया पड़ा बच्चा आश्रम में गए, कोई खबर नहीं मिला, और फिर जाके हम लोग बहुत अपने जने कोशिश किए, कोई खबर नहीं मिला, थाना में कंप्लेन किए, थाना वाला बोल रहा आजकल बुला रहा है, दिल्ली जा रहे थाना में, थाना से भी कोई खबर आ नहीं रहा, रोज जा रहे थाना में एक दिन बात के दिल्ली जा रहे सर, लेकिन कोई खबर नहीं आ, थाना वाला बोल रहा सब ठीक था, भगवान जो सब ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है, लड़का बढ़िया था, लेकिन भाग के चल गया, कहाँ गया कोई बता नहीं सकता, आप कैसे बताएंगे, यहाँ रखे गए थे पास रखे थे कि पहले लिखेगा कम से कम कोई अच्छा तरी काम धाम सिखाएंगे सर, हाँ अभी की वजह से हम लोग काम धाम भी नहीं, भाई बहन है इसका, भाई बहन तीन चार भाई बहन है, ये बड़ा था क्या ये? ना ये बड़ा था जी, हाँ बच्चे हैं? नहीं मेरा शादी अभी, मेरा बच्चा नहीं है, तो ये चाचा है और इन्होंने बच्चे को अपने पास रखा था ताकि कुछ काम सीख सके, पढ़ाई कर सके, लेकिन एक महीना 5 दिन के बाद बच्चा बाहर निकला है, डॉन बॉस्को आपके सामने है, यहीं से लापता हो गया, पता नहीं चल सका है, बेलूर थाना में इसकी कंप्लेन लिखाई गई है, शिकायत की गई है, लेकिन वहाँ भी पुलिस कोशिश कर रही है एक महीना से, लेकिन अभी तक नहीं निकल सका। दिवाकर दा का जो दावा है वो ये कि जो पुलिस एक पक्षी को तलाश कर सकती है वो क्यों नहीं बच्चे को तलाश करेगी, तो ये उनका शर्त है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, और लोगों से भी अपील है, मीडिया के माध्यम से भी ये चाहते हैं कि बात लोगों तक जाए, इन्होंने ये फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी दे रखा है कि कहीं भी किसी को पता चले तो इसके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वो जो नंबर है वो नंबर भी एक नंबर आप एक बार बोल दीजिए, क्या नंबर है मोबाइल नंबर? 9073269650 ये मेरा नंबर है, अगर किसी को इंसान को अगर भेंट हुए तो हम लोग को कॉल कर दे, हम लोग वहाँ आ जाए। तो ये नंबर इन्होंने बताया 9073269650। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।